बीजेपी से बगावत करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया समर्थकों पर सरकार कर रही है सख्त कार्रवाई। सिंधिया के करीबी अब कांग्रेस में वापसी की तैयारी में। महाराज को नहीं मिल रहा है बीजेपी में सम्मान। ढाई साल से ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में बहुत सम्मान मिल रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकारें उनकी मेहरबानी से बनी थी, लेकिन समय के साथ ये सम्मान कम होता जा रहा है। अब चिंता इस बात की दिख रही है कि 10 महीने बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिंधिया अपने समर्थकों को पार्टी का टिकट भी दिलवा पाएंगे या फिर बीजेपी सिंधिया समर्थकों को घर पर बैठा देगी। जैसे ढाई साल से ग्वालियर चंबल रीजन में अभी पुराने भाजपाई घर बैठे हैं। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता सक्रिय होते दिख रहे हैं, जिसके बाद से सबसे ज्यादा बेचैनी सिंधिया समर्थकों में ही दिख रही है। सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायकों को भी एहसास हो गया है, इसलिए वो अपनी ही सरकार से दो दो हाथ करते हुए कांग्रेस में वापसी की संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं। नाराजगी ज्योतिरादित्य की भी बढ़ती दिख रही है। एक सप्ताह पहले सिंधिया परिवार के जीवाजी क्लब पर पुलिस का छापा पड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके खुद संरक्षक हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ये छापा सिर्फ इस सूचना पर पड़ा था कि शहर के कुछ रईस लोग यहाँ ताश खेलने आते हैं और हार जीत की बाजी लगाते हैं। सिंधिया जब तक कांग्रेस में रहे, भले ही सरकार बीजेपी की रही, फिर भी सिंधिया के क्लब में जाने की हिम्मत पुलिस नहीं जुटा पाती थी। लेकिन इस समय पुलिस की छापेमारी ने बता दिया है कि सिंधिया का रुतबा पहले जैसा नहीं रहा है। दरअसल ग्वालियर स्थित जीवाजी क्लब का निर्माण सिंधिया राज परिवार ने करवाया था। ये काफी नामी क्लब है, इसमें काफी बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक सप्ताह पहले यहाँ छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान एक कमरे में कुछ व्यापारी कार्ड खेलते हुए मिले थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन थाने से ही सभी को जमानत मिल गई। साफ है पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन छापा सिंधिया क्लब पर पड़ चुका था, इसलिए कार्रवाई तो करनी ही थी, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका था। अब ग्वालियर के सियासत में चर्चाएं चल रही हैं कि स्थानीय पुलिस ने यहां घुसने की हिमाकत कैसे कर ली। क्या ऊपर से कोई आदेश मिले जिसकी वजह से पुलिस ने यहां धावा बोल दिया? ऊपर का मतलब भोपाल नहीं बल्कि संदेह दिल्ली तक जा रहा है, क्योंकि इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान भी सिंधिया खिलाफ इस तरीके का एक्शन लेने की हिम्मत शायद नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि सिंधिया के तार भी दिल्ली से जुड़े हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली को भी सिंधिया की जरूरत नहीं रह गई है? सिंधिया क्लब पर सिर्फ पुलिस की नजर टेढ़ी नहीं हुई है, बल्कि नगर निगम भी जीवाजी क्लब पर अपना शिकंजा कसता दिख रहा है। नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल के निर्देश पर नगर निगम की एक टीम जीवाजी क्लब पहुंची। निगम आयुक्त ने दावा किया है कि जीवाजी क्लब पर संपत्ति कर बकाया है और इसकी वसूली की तैयारी तेज कर दी गई है। निगम के तेवरों से साफ था कि अगर क्लब टैक्स नहीं चुकाएगा तो उसे सील भी किया जा सकता है। इसके बाद दबाव में आए जीवाजी क्लब के प्रबंधकों ने 12,88,712 रुपए का संपत्ति कर चुकाया। जैसे पुलिस ने पहली बार जीवाजी क्लब पर छापा मारा था, वैसे यह पहला मौका है जब जीवाजी क्लब से नगर निगम की टीम ने इस तरीके संपत्ति कर वसूल की है। निगम कार्यवाही को लेकर भी सवालों के निशाने पर दिल्ली ही है। दरअसल नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे का बताया जाता है और दावा किया जा रहा है कि कहीं न कहीं तोमर और सिंधिया के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल अभी तक नरेंद्र तोमर के सामने ही दिख रही थी, लेकिन अब जिस तरह से नरेंद्र तोमर की सक्रियता बढ़ती दिख रही है, साफ है मुश्किलें अब सिंधिया की बढ़ रही हैं और सिंधिया समर्थकों को भी एहसास हो चुका है, इसलिए वो कांग्रेस में वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।